साहब, आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। नरेशन इंटरमीडिएट के सिलेबस का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए जानते हैं नरेशन होता क्या है। नरेशन मुख्यतः दो प्रकार करते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच, इसे स्पीच भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में होता क्या है, क्या होता है कि एक स्पीकर होता है, जिसे हम हिंदी में वक्ता कहते हैं। स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों को या कथनों को जब हम जीव माध्यम कहते हैं तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इसी के अपोजिट अगर हम वक्ता या स्पीकर के कहे गए शब्दों या कथनों को जीव माध्यम ना कहकर दूसरे शब्दों में, अपने शब्दों में कहते हैं, व्यक्त करते हैं, तो वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। आइए हम डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है ही सेड टू मी। देखिए यहाँ पे काम लगाते हैं, ये बात है, ही मतलब सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? गोइंग टू मार्केट, उसने मुझसे कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ, मतलब उसने कहा। तो ये जो बात रखी गई है वो उसी की बातों में जो कहते हैं वो कहा गया कि उसने मुझसे कहा कि वही बाजार जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, ये जो डायरेक्ट स्पीच होता है ये दो पार्ट, इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक यहाँ एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो होता है ये आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। हम ये पे लिख दे रहे हैं, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो यहां से ये इन्वर्टेड कॉमा जो होता है उसे कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। मैंगो, देखिए इसमें भी हमें देख रहे हैं कि राम ने श्याम से कहा कि वह आम खा रहा है, वह एक आम खा रहा है। आशा है आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं आपका दूसरा टॉपिक जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हमने जैसे बताया था, इनडायरेक्ट स्पीच वह होता है जो जब हम वक्ता के द्वारा कहे गए कथनों को जो वक्ता ने कहा उसे अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। देखिए इसी का हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाए हैं, जैसे ही से टू मी तो ही टोल्ड मी दैट, यहाँ पे कमिंग हेड कमा हटाकर दैट हो गया और यहाँ पे से टू हटाकर टोल्ड हो गया। इसका नियम हम आगे जानेंगे कैसे क्या होता है। देखिए ही टोल्ड मी दैट ही, देखिए यहाँ पे आई था, यहाँ पे ही हो गया, यहाँ पे एम था, वाज हो गया, इसका भी एक नियम है, आगे हम इसे जानेंगे। ही वाज गोइंग टू मार्केट, फिर देखिए यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा हट जाता है, ये इसका एक रूल है डायरेक्ट स्पीच का। अब दूसरा भी इसी तरह राम से टू श्याम का, इसी तरह राम टोल्ड श्याम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर हम लोग दैट लगाएंगे, फिर ही इसका वाज जाएगा ईटिंग अ मैंगो। आइए हम देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। मुख्यतः तीन प्रकार के नियम होते हैं और इसके अंदर हम ढेर सारे नियम बताएंगे। सबसे पहला नियम है चेंज ऑफ टेंस, और इसके बाद है चेंज ऑफ पर्सन, और इसके बाद चेंज इन सर्टेन वर्ड्स, मतलब कुछ वर्ड्स हैं इसको हम आगे देखेंगे कौन कौन से वर्ड है किसमें परिवर्तित होंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देखेंगे चेंज ऑफ टेंस। आइए देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन करने से पहले हम ये जान लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब परिवर्तित होता है, कब परिवर्तन नहीं होता है। देखिए अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, इसे शॉर्ट में आरवी भी कह सकते हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो ध्यान सुनेंगे, अगर आपका आरवी मीन्स अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब आपका रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान सुनेंगे, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसके पर्सन्स में परिवर्तन होगा। ठीक
ठीक है, आशा है आपको समझ में आई होगी। आइए इसका एग्जाम्पल हम करें, इसका हम बदल लें, आप देखिए कैसा होता है। देखिए इसको देखिए पहले, हाँ ये अब एक बात और देख लीजिए, ये सेज टू है। जब से के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, सेज हो या तो सेड हो, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो या तो विल से हो के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, तो ये सेज किसे बदल जाएगा इसको हम अलग से समझ ले रहे हैं। अगर शे है, अलग से देख ले रहे हैं, पहले इसको समझ लेते फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपका से है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, से के बाद टू होता है, तो वो किसे बदल जाएगा, टेल में। ठीक है, अगर सेज प्लस टू होता है तो ये बदल जाएगा टेल्स में। ठीक है, अगर अगर आपका सेड प्लस टू है तो ये आपका बदल जाएगा टोल में। ठीक है, ध्यान समझ लेंगे। अगर आपका आरवी में अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में से प्लस टू है, अर्थात से के बाद ऑब्जेक्ट टू, आपका से किसे बदल जाएगा, इनडायरेक्ट बदल जाता है, इसमें टेल बन जाता है। सेज प्लस टू है तो वो आपका इनडायरेक्ट में टेल्स बन जाता है, और अगर से प्लस टू है तो वो आपका इनडायरेक्ट में टोल्ड हो जाता है। आशा है आपको इतना समझ में आया होगा। आइए हम इस स्पीच को हम बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ही को हम ऐसे ही कर लेंगे। अब देखिए सेज टू है, से के बाद ऑब्जेक्ट दिया है मी, तो ये सेज है तो क्या लगे यहाँ पे टेल्स। एक और नियम, ठीक है, क्या काम है इनोट काम हटाकर हम क्या लगाते हैं दैट। अब देखते हैं, हमने कहा था अगर हमारा आरवी अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी या रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। सॉरी गाइस, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे टेल्स के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट इतना भूल गए, तो हो जाएगा ही टेल्स मी। अब यहाँ पे काम ही नोटिस का मतलब हम क्या कराएंगे, देखिए आई एम अ टीचर, इसका टेंस नहीं पर लेकिन सब्जेक्ट परिवर्तन हुआ है। सब्जेक्ट पर्सन, पर्सन हम लोग देखे थे, तीन 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 मुख्यतः नियम है, एक आपका चेंज ऑफ टेंस और एक ऑफ चेंज ऑफ पर्सन और एक चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स, जिसे हम लोग देखेंगे। अब देखिए आई एक पर्सन है, अब आई किसे बदलेगा, इसके लिए देखिए बहुत ही आसान सा नियम है। एस ओ एन अपान वन टू थ्री, ठीक है, बहुत ही आसान नियम है। क्या अगर आपका पर्सन फर्स्ट पर्सन है, अगर आपका मतलब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है तो वो आरवी अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन सेकेंड पर्सन का है तो वो आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर आपका पर्सन यहाँ का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तब आपका नो चेंज होगा, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान सुनने में भी सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को किसी को समझने होता है, एक बार इसलिए एक बार फिर समझते हैं। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन फर्स्ट पर्सन है तो उसका परिवर्तन हम करेंगे किसके अनुसार, आपके आरवी अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर आपका यहाँ पर सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन है तब हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो उसका चेंज नहीं होता है। तो ये आपका आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। जैसा कि हमने कहा था कि ये प्रेजेंट टेंस में इसका आरवी है अगर रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए इसका टेंस में परिवर्तन कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, बस ही हो गया तो ही। अब देखिए लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं होगा लेकिन आई के साथ एम लगता है, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। टेंस में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं हम, ही इज अ टीचर। ठीक है, अब देखिए इनडायरेक्ट बनाते समय हम फुल स्टॉप लगाते हैं, इनवर्टेड कॉमा हटा देते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग ये फ्यूचर वाला देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पास्ट वाला देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ही विल से, ही विल से, अब हम इसके बाद
पास्ट को बाद में देखते हैं, सबसे पहले इसके बाद हम लोग फ्यूचर देखेंगे, क्योंकि हमने कहा कि अगर आपका आरबी था रिकॉर्डिंग अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इसके आपका जो आर्या से रिपोर्टेड स्पीच इसका कोई इसके टेस्ट में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये देखते हैं इसको फ्यूचर वाला। तो देखिए ही विल से ये इसके पता चलता है कि ये क्या है, आपका फ्यूचर टेंस है आपका आरबी रिपोर्टिंग। ये देखिए ही विल से का ही विल से ही, और क्योंकि यहाँ पे सही बात कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, टेंस वगैरह नहीं होगा। ठीक है, ही विल से कम यूनिट कम हटाकर हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। फिर आई आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, फिर किस अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार। तो ये हो जाएगा ही, एम है तो यहाँ पे इज होगा, ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आंसर आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं आपका ये थर्ड, आगे देखते हैं। अब हमारे रिपोर्टिंग सॉरी रिपोर्टेड स्पीच कब बदलता है, जब आपका आरबी पास्ट टेंस में हो तो तब हम इसको परिवर्तित करते हैं। आइए देखते हैं इसका, इसको हो जाएगा ही सेट टू, किसे मतलब हमने बताया था अगर से के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसे टोल्ड में बदल देंगे। क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी कम इंटर कम हटाकर हम दैट लगाते हैं, ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए ही आपका थर्ड पर्सन है, ही कौन सा पर्सन आपका थर्ड पर्सन है तो इसलिए चेंज नहीं होगा। देखिए क्या हो जाएगा, ही हो रहेगा। अब देखिए इसमें टेंस में परिवर्तन होगा, ठीक है। इज ये देखिए, ही इज अ गुड पर्सन, ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल पास्ट में बन जाएगा। किसमें, सिंपल प्रेजेंट किसमें बदलता है, सिंपल पास्ट में। तो ही इज अ गुड पर्सन क्या रहेगा, ही वाज अ गुड पर्सन, ही इज का क्या रहेगा यहाँ पे वाज हो जाएगा, he was a good person। एक बार फिर से पूरा समझ लेते हैं। ये देखिए होता क्या है कि रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब बदलता है, तो फिर ये था जब हमारा आरबी अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो हमारा आईएस अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में परिवर्तन नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसके पर्सन में परिवर्तन होता है। जैसे ही सेज टू मी, इसको हमने बदल दिया, ही टेल्स मी कामा इनवर्टेड कामा हटाकर हमने दैट लगा दिया। अब आई फर्स्ट पर्सन था, पर्सन चेंज होगा, आई फर्स्ट पर्सन था इसलिए किसके अनुसार बदला, ही के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही इज हो गया, अब ही के अनुसार ही हमारा है बनेगा, इसलिए ही इज अ टीचर हो गया। फ्यूचर में क्या था, ही विल से आई एम गोइंग टू मार्केट, इसका क्या हो जाएगा, he will say that he, यहाँ पे I वही है first person, he is going to market, कोई भी tense में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। past tense में हम देखेंगे, he said to me, comma inverted comma, he is a good person, तो यहाँ पे said to, said के बाद object है, me है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, told हो गया, he told me that, अब देखिए he का he होता है क्योंकि he third person है, तो he was, is, कौन सा tense है ये, सिंपल प्रेजेंट है और इसलिए ये सिंपल पास्ट में परिवर्तित हुआ, ही वाज अ गुड पर्सन। तो आइए हम लोग देखते हैं कि चेंज ऑफ टेंस कैसे होता है, ठीक है। जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या, रिपोर्टिंग वर्ब हमने शुरू बताया था, वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो उसके रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलता, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस निम्न प्रकार से होते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। मतलब प्रेजेंट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में, तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो हम लोग भी पढ़ चुके हैं। आपको देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा पास्ट टेंस में है, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस कैसे, तो पहला हम देखेंगे, पहले क्या है, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, एक तरफ डायरेक्ट स्पीच है और एक तरफ इनडायरेक्ट स्पीच कह सकते, ठीक है। ये डायरेक्ट स्पीच के टेंस है और ये इनडायरेक्ट स्पीच अर्थात किस में बदलेंगे, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच सॉरी डायरेक्ट स्पीच का टेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है तो ये किस टेंस में बदलेगा, आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। ध्यान सुनेगा, अगर ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है तो किस बदलेगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अगर हमारा स्पीच
कंटिन्यूअस टेंस में है तो वो कौन से टेंस में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। अगर हमारा स्पीच रिकॉर्डेड स्पीच कौन से टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उससे कौन से टेंस में परिवर्तित करेंगे? ये टेंस रहेगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। डायरेक्ट में अगर आपका रिकॉर्डेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो किस टेंस में परिवर्तित होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। फिर हम लोग देख लेते हैं इसे, आपको याद करना पड़ेगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस टेंस में परिवर्तित होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा, और आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। देखिए हमने देख लिया कि प्रेजेंट टेंस के साथ चारों टेंसों का परिवर्तन हमने देख लिया कि कैसे क्या होता है अगर हमारा। हाँ एक बात और बच्चों ध्यान दीजिएगा, और जितना भी पढ़ाना है उसका आप नोट्स बनाते रहेंगे, नहीं तो आपको जो भी पढ़ेंगे वो भूल जाएगा। अगर नोट्स बनाए रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस निम्न प्रकार परिवर्तित होते हैं। इसमें हमने देखा प्रेजेंट टेंस के चार टेंस कैसे परिवर्तित होते हैं। क्या देखिए अब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें बदलता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका किसमें बदलेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। आइए अब हम पास्ट चेंजेस को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें बदलेगा? आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। ध्यान से देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका रिकॉर्डेड स्पीच क्या पास्ट टेंस में हो तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय उसे किस टेंस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। अगर आपका रिकॉर्डेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हम किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। अब ध्यान देंगे इधर दो टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस जो परिवर्तित नहीं होता है अर्थात अपने टेंस में रहता है, कोई चेंज नो चेंज, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये भी कोई चेंज नहीं होता, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। बच्चों तो आपने देखा कि प्रेजेंट और पास्ट टेंस के मिलाकर छह टेंसों में परिवर्तन होता है, लेकिन पास्ट के दो टेंस और फ्यूचर के चार टेंस इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान सुने क्या कह रहे हैं कि पास्ट टेंस के दो टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई चेंज नहीं होता, उसी तरह फ्यूचर के चारों टेंसों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो हमने देखा कुछ टेंसों का परिवर्तन प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का, तो आगे क्या है फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस बदलेगा नहीं, तो उसको पता चलेगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस फ्यूचर टेंस में हो तो उसके टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसको लिख सकते फ्यूचर टेंस नो चेंज, ठीक है। अब एवर फ्यूचर रिपीट कर ले रहे हैं क्या क्या, ठीक है। क्या है आपका पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पूरा मिला के छह टेंस ही चेंज होते हैं, 12 टेंस में 6 टेंस ही चेंज होते हैं और 6 टेंस नहीं चेंज होते। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलता है, और आपका जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा, और आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। इसके बाद जितने भी टेंसेस बचते हैं उनका परिवर्तन नहीं होता है। आशा है आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है। चेंज ऑफ पर्सन, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि पर्सन कितने, ये जानना जरूरी होगा कि पर्सन कितने होते हैं, अन्य रूप होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा, और इसे आप फेयर पे जरूर लिखेंगे और याद भी कर लेंगे, ठीक है। देखें पर्सन होते हैं मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पर्सन होते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। इसके कई रूप होते हैं, ये आपका पूरा पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं इसे आप, ठीक है। ये देखिए पर्सनल प्रोनाउन आप
फर्स्ट पर्सन है इसके नॉमिनेटिव मतलब कर्ता, नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक, तो कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस मतलब होता है कर्म कारक, और पोजेसिव केस मतलब होता है संबंध कारक। ठीक है, इस रूम में ये मौजूद है, ध्यान देते हैं। फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस में पहला हम लोग देखेंगे तो आई, आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन में होता है, हमने ये पहले ही पढ़ लिया था। आई कौन से पर्सन में होता है? फर्स्ट पर्सन में। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन ये नॉमिनेटिव केस में है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मतलब आई का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? आई, आई नॉमिनेटिव केस भी होता है और मी उसका, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। आई का ही पोजेसिव केस अर्थात पोजेसिव संबंध कारक क्या होता है? माई और माई होता है। ये फर्स्ट पर्सन है, वी भी आता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और इसका पोजेसिव केस आव या आवर्स होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड पर्सन में, कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का नॉमिनेटिव केस यू होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, लेकिन इसके पोजेसिव केस में योर और योर्स दोनों होते हैं। अब आते हैं थर्ड पर्सन के, थर्ड पर्सन का क्या है? पहला ही है नॉमिनेटिव केस ही, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, लेकिन इसका पोजेसिव केस क्या होगा? हिज होगा। इसके बाद सी, सी भी थर्ड पर्सन, ये सारे थर्ड पर्सन में है। सी का नॉमिनेटिव, सी नॉमिनेटिव केस में है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होगा और इसका पोजेसिव केस भी हर ही होगा। ध्यान देंगे आप, सी का ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव दोनों केस हर होते हैं। अब देखिए अगला, इट, इट का नॉमिनेटिव केस और इसका ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, लेकिन इसका पोजेसिव केस इट्स होता है। आगे देखेंगे ये दे है, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम और इसका पोजेसिव केस होता है देयर। ठीक है, आशा है। तो ये आपका हो गया पर्सन कैसे होते हैं। अब हम देखेंगे